इस वीडियो में प्यार साथियों हम लोग बहुपद की ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। मेरे प्यार साथियों अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना तो बहुपद के बिहार बोर्ड में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है। और मेरे प्यार साथियों आपको ऑब्जेक्टिव से डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो चिंता नहीं कीजिए, आइए ना दोनों भाई मिल के कुछ आप हल कीजिएगा, कुछ हम करेंगे, बेहतरीन आज की क्लास होने वाला है प्यार साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे प्यार साथियों सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको किस पे पकड़ होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए प्यार साथियों आपको सबसे पहले इस चैप्टर का फॉर्मूला आना चाहिए भाई साहब। तो फॉर्मूला अगर आता है तो आप लोग बादशाह है। ठीक है, चर एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, जिसका मेरे प्यार साथियों घात एक है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, वो कटिया है। फिर सेकंड है मेरे प्यार साथियों दो घात वाले बहुपद को व्यापक रूप क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक घात वाला मेरे प्यार साथियों तो एक्स प्लस बी। जब आपका ये बेसिक मजबूत रहेगा, आपका ऑल फॉर्मूला क्लियर रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो रोएगा भाई साहब, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब मेरे प्यार साथियों आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, जैसे रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी, इसका माइनस बी बटा ए होता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपसे पूछता है मेरे प्यार साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप बताएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। शून्यकों का योग बताएं, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल बताएं, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए। ठीक है, उसी प्रकार प्यार साथियों एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, द्विघात दो घात वाले बहुपद को द्विघात, और त्रिघात वाले प्यार साथियों त्रिघात कहते हैं, यानी तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं। देखिए, इसका भी व्यापक रूप काफी बार ऑब्जेक्टिव में ही डायरेक्ट दे देता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मेरे प्यार साथियों ये त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप है, इसमें शून्य की संख्या तीन होता है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, आपसे देखिए यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा आपको। ठीक है, वो आगे हम लोग जितना भी यूज करने वाले हैं आपको हम दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यार साथियों आप सभी के सामने, और आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग बताइएगा कि हाँ सर मेरा तो क्लियर हो गया। ठीक है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आप गांठ मान लीजिए मेरे प्यार साथियों, इसमें होता है एक चर और एक होता है अचर। अगर नहीं पढ़े हैं पढ़ेंगे होंगे आप लोग। चर किसको कहेंगे प्यार साथियों, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई भी अक्षर हो मेरे प्यार साथियों उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा हम धीमे धीमे बताएंगे भाई साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और अचर उसे कहेंगे प्यार साथियों जिसके पास एक्स ना हो, बंड हो, अंक हो, संख्या हो, 5, 8, 10, ठीक है कुछ भी ले लीजिए वो अचर है। और जिसके पास मेरे प्यार साथियों 2x, एक्स हो, वाई हो, जेड, वो चर है। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चे को। अब मेरे प्यार साथियों निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो पहला मेरे प्यार साथियों बहुपद है। बोलिएगा सर कैसे, तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले मेरे प्यार साथियों बहुपद कब होगा, जब उसका घात मेरे प्यार साथियों पूर्ण संख्या हो, उसका घात मेरे प्यार साथियों एक पूर्ण संख्या के रूप में हो, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार में हो। ठीक है, उसका घात एक मेरे प्यार साथियों पूर्ण संख्या के रूप में हो। ठीक है, और एक चीज और आप याद रखिएगा, कभी भी चर बटा में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें चर है बटा में नहीं, नहीं बटा में होना चाहिए, नहीं रूट के अंदर होना चाहिए। देखिए ये रूट टू है, एक्स बाहर है मेरे प्यार साथियों, ध्यान से देखिए। ठीक है, चर अलग है, ठीक है, और अचर अलग है। तो मेरे प्यार साथियों अचर में हो सकता है रूट में, लेकिन कभी भी चर रूट में नहीं होगा, अगर है तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होने के मेरे प्यार साथियों तीन कंडीशन, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मेरे प्यार साथियों कोई भी चर बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर मेरे प्यार साथियों रूट में नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए यहां मेरे प्यार साथियों क्या है जी, 1 बाई x, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काहे कि एक्स प्लस, और इसको भेजेंगे प्यार साथियों एक्स के ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, तो कभी भी माइनस में भी नहीं होता क्योंकि एक पूर्ण संख्या होगा, जब भी होगा तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, और मेरे प्यार साथियों बटा में कभी नहीं होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्लियर, सभी को आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ रहे होंगे, और बहुत धीमे धीमे हम बता रहे हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहां भी आपसे पूछा जा रहा है बहुपद नहीं है, तो अभी आपको हम बताए थे प्यार साथियों कि माइनस में बहुपद नहीं होता है, और आप लोग यहां पे देख के फटाक से टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जितने विद्यार्थी बनाएंगे उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है। देखिए ठीक है, माइनस में घात कभी नहीं होता है। और यहां देखिए प्यार साथियों, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद ये नहीं है। बोलिएगा काहे, तो इसका घात देखिए प्यार साथियों 1/2 है, हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में आपको बताया, तो इसका क्या हो जाएगा जी, समझिए 0.5 तो नहीं ना होगा। चलिए क्लियर, थर्ड नंबर देखें प्यार साथियों, बहुपद वाई क्यू माइनस 2y² माइनस 3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो जब भी आपसे घात पूछा जाए तो उच्चतम घात वाले,
क्या देखेंगे हम लोग, उच्चतम घात वाली। उच्चतम घात किसका है जी, तीन का, तो इसका घात भी उच्च हो जाएगा यानी तीन हो जाएगा। क्लियर, जब भी आपसे घात पूछे मेरे प्यार साथियों तो उच्चतम घात वाला। अब आप लोग बताइए x के पावर 4 प्लस x के पावर q इसमें मेरे प्यार साथियों बहुपद की घात क्या है, तो उच्चतम घात देखिएगा ठीक है, चार वाला, तो चार हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए फोर नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यार साथियों। बहुपद एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है 3x² - 7x + 2, तो एफ माइनस वन का मान होगा, तो बहुत ही सिंपल है प्यार साथियों। देखिए एफ तो एफ, यहाँ पे माइनस वन, तो माइनस वन रख देते हैं मेरे प्यार साथियों। यहाँ पे एक्स था तो सभी जगह एक्स है, तो यहाँ पे माइनस वन रखते हैं हम लोग, तो जहां जहां आपको एक्सवा दिखे वहां वहां माइनस वन रखिएगा। क्लियर, जहां जहां एक्सवा दिखे भाई साहब वहीं पे माइनस वन रखना है, तो थ्री तो थ्री गुने तो गुने, एक्स स्क्वायर है तो माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस सेवन तो सेवन गुना माइनस वन मेरे प्यार साथियों, और उसके बाद प्लस टू हो जाएगा। देखिए थ्री तो थ्री, वन का स्क्वायर प्यार साथियों माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तीन में एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। सात में देखिए मेरे प्यार साथियों माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस सात और प्लस दो, तीन दो पांच और पांच सात बारह, यानी प्लस में आपको बारह कहां पे भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर में प्यार साथियों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं कीजिएगा, एक्स की जगह माइनस वन रख के हल कर दीजिए। आगे देखिए प्यार साथियों फाइव नंबर क्वेश्चन, घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं, तो घात जिसपे एक होगा मेरे प्यार साथियों वो रैखिक बहुपद कहलाता है, घात जिसपे दो हो मेरे प्यार साथियों द्विघात बहुपद कहलाता है, घात जिसपे मेरे प्यार साथियों तीन हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है, चार नहीं आता है ठीक है, आपको तीन में ही काम चल जाएगा भाई साहब। अब देखिए मेरे प्यार साथियों सिक्स नंबर, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या है, तो अभी अभी आपको बताए थे फॉर्मूला में एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया ठीक है, किसका, त्रिघात की, और यहीं पे आपसे द्विघात पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये किसी का नहीं होता है। चलिए कौन रैखिक बहुपद है, तो जिसका घात एक होता है वो रैखिक बहुपद है भाई साहब। आज की वीडियो के बाद आपको एक भी बहुपद का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप फुल तो देख लीजिए। तो रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे मेरे प्यार साथियों, जिसका घात एक हो, देखिए यहाँ पे है एक, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए में टिक कर दीजिए ना। बोले सर ये क्वेश्चन कहाँ से लाए, तो गोल्डन से लाए मेरे प्यार साथियों, गोल्डन एग्जामिनेशन गाइड ठीक है, बहुत महंगा दिया है आप लोग वही नहीं भी किनेगा तो चलेगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन के शून्य कौन है, तो इसका मेरे प्यार साथियों देखिए आपसे शून्य पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए गुणनखंड निकाल लेंगे ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स आपको लेना होगा और प्लस वन, बोलेगा ये कोई बात है सर, ये कैसे लेनी है देखिए आपको मेरे प्यार साथियों गुणनखंड तो आता ही होगा, ऐसा दो अंक लेना रहता है कि गुना करें तो पीछे वाला आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए, तो एक्स एक्स को जोड़ देंगे मेरे प्यार साथियों तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, और एक्स के आगे कुछ नहीं तो वन 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 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस मेरे प्यार साथियों क्या हो जाएगा जी वन, क्योंकि यहाँ से तो एक्स घिंच ही लिए, तो इसी को एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन आपको कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सिंपल गुणनखंड निकाल लीजिएगा। आगे देखिए द्विघात बहुपद के शून्य मेरे प्यार साथियों तीन होंगे दिया गया है, तो इसका क्या होगा, चलिए भाई इसका भी हल करते, कुछ नहीं कीजिए आप लोग, बस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर थ्री, और यहाँ मेरे प्यार साथियों स्क्वायर है तो रूट जाएगा, और रूट के आगे प्लस माइनस होता है, तो एक बार प्लस में रूट थ्री और एक बार माइनस में रूट थ्री, कहाँ पे आपको दिख रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी, ये 100% आपसे पूछा जाएगा ठीक है ना। चलिए दसवां नंबर प्रश्न देखिए, एकदम लड्डू है, लड्डू जैसे अभी बनाए हैं वैसा ही बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में भाई साहब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आपको पता है क्या स्क्वायर रहता है उधर जाता तो क्या होता है रूट में, रूट के आगे प्लस माइनस, तो एक बार रूट टू प्लस में और एक बार रूट टू माइनस में, कहाँ पे है आपको भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यार साथियों, आपको दिक्कत हो जाए तो फिर हम किस काम के देखिए ठीक है, आपको दिक्कत हो जाए तो फिर हम किस काम के, आगे देखेंगे मेरे प्यार साथियों। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फाइव के शून्य, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, सिंपल है कि नहीं जी बताइए, ये भी सिंपल है क्योंकि अभी बनाए हैं वैसा ही तो है, क्या हो जाएगा मेरे प्यार साथियों, इसमें आप लोग डायरेक्ट आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट कर दीजिएगा ठीक है, हम नहीं बताएंगे।
आपको कमेंट करना है। 12 नंबर देखिए प्यारे साथियों, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, तो पी एक्स का एक शून्यक है, पी एक्स का एक शून्यक है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा नहीं कटा था, पी एक्स का एक शून्यक मेरे प्यारे साथियों है। तो कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिएगा आप लोग, गुणनखंड निकालिए ना भाई साहब, क्या जी गुणनखंड निकालिएगा, खुद निकल जाएगा। नहीं तो आपसे देखिए यहाँ पर भी मान रखिएगा ना, x पी एक्स का एक शून्य का आपसे पूछा जा रहा है, तो रखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग करके ही देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस कितना ले लेंगे प्यारे साथियों बताइए, 4x प्लस में एक x लेते हैं, ताकि देखिए चार में एक से गुना करेंगे प्यारे साथियों, इसका आगे कुछ नहीं तो वन है, चार में एक से गुना करेंगे तो चार हो जाएगा माइनस चार, और चार में प्यारे साथियों एक घटा देंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस फोर। यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x माइनस फोर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों प्लस क्या कॉमन ले ले, वन कॉमन ले लेते तो x माइनस फोर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों हम लोग का आंसर एगो चार प्लस में आ जाएगा। चार कहाँ पे है जी, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं कीजिए, जब भी ऐसा रहे तो आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा, आसानी से आपका आ जाएगा। आगे देखें मेरे प्यारे साथियों, तेरह नंबर प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य, बस गुणनखंड निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, गुणनखंड निकालिएगा आंसर आ जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, इतना इतना प्यार सत्यों है तो ए बी का मान पूछ रहा है, बोला जा रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पांच के शून्यक ए और बी हो, यानी अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा और इंटू बीटा का मान होगा, यानी ए इंटू बी का मान होगा। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, सी का मान कितना है भाई साहब, सी का मान देखिए पांच, तो पांच। ए का मान कितना भाई साहब, कुछ नहीं तो वन रख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पांच। कहां पे है जी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई साहब, अगर मजा आ रहा है ना तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे साथियों बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा बहुपद से, हमको मेरे बताने के बाद। 15 नंबर देखिए, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा है, शून्य के योग माइनस बी बटा ए, शून्य का गुणनफल सी बटा ए, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे योग तो माइनस बी बटा ए। क्लियर, यस भाई साहब, आगे देखेंगे, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए प्रश्न, यदि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्य ए और बी हो, तो फोर ए प्लस बी का मान बताइए। तो देखिए फोर तो फोर, और ए प्लस बी को समझिए अल्फा प्लस बीटा, क्या जी, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों माइनस बी बटा ए। तो देखिए यहाँ पे फोर तो फोर, गुने तो गुने, माइनस बी तो बी का मान कितना होगा, माइनस थ्री है, और माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो जाएगा, एक बार भी रख देते इतना तो आप समझदार होंगे ही। और ए, ए का मान प्यारे साथियों क्या है जी, कुछ नहीं, लड्डू गोपाल एक है और क्या, तो चार तिया क्या हो जाएगा बारह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, 17 पे, 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग मेरे यार मेरे प्यारे साथियों यानी क्या, त्रिघात है तो तीन को होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी, बी का मान कितना है जी माइनस पांच, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ए का मान कितना है दो, यानी पांच बटा दो। कहाँ पे ऑप्शन है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह का हो, तो ए का मान होगा। कोई मेरे प्यार साथियों बहुपद देखिए, एक मान लेते एक शून्यक अल्फा हो और इसका विपरीत चिन्ह का हो यानी माइनस हो, तो इसका शून्यक होगा, तो क्या हो जाएगा जीरो नजीक कटके, तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा जीरो, ठीक है। विपरीत चिन्ह जब भी बोले मेरे प्यार साथियों तो अल्फा अल्फा कट के जीरो आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यार साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स ए के शून्य का गुणनफल आठ है, तो ए का मान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, सी बटा ए, तो इसका दे दिया गया कितना आठ, जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इसका मान दे दिया गया है आठ, सी का मान ए है, और मेरे प्यारे साथियों ए, ए का मान कितना है वन, यानी ए बराबर कितना आ गया आठ, ए बराबर भाई साहब आ गया आठ, और यहाँ पे आपको आठ रख के गुणनखंड निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आठ, ठीक है। क्या कीजिएगा, गुणनखंड आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट, मेरे पास जगह नहीं होता है इसीलिए हम उतना गुणनखंड आपको नहीं निकाल रहे हैं, बाकी आपको तो क्लियर करा दिए। चलिए
आगे देखेंगे प्यारे साथियों 20 नंबर, यदि बहुपद के एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो k का मान होगा, ठीक है, आपको शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अब मेरे प्यारे साथियों इसमें गामा भी होगा क्योंकि त्रिघात है, और इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मेरे प्यारे साथियों माइनस डी बटा ए, इसका आपको दिया गया है 4 माइनस, तो माइनस डी का मान कितना है प्यारे साथियों, तो 6 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। ए का मान कितना है प्यारे साथियों, के, तो के यहां से देखिए क्या हो जाएगा 4k, याद रखिएगा यहां से गुणा करेंगे प्यारे साथियों तो 4k बराबर 6, यहां से काट दीजिए 2 दुना 4 3 दुना 6, देखिए ये गुना में है भागा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 कहां पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट बताइए, तो 3/2 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए समझ में आया ना जी, यहां से देखिए 4k बराबर 6 था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/4 काट दीजिए 3 दुना 6 और 2 दुना 4 था, 3/2 कहां पे है ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। 21 नंबर देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, सिंपल माइनस बी बटा ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2/ ए, 2 कहां पे है। अब ये तो आपको पता होगा कि पहला को ए बोलते हैं, दूसरा को बी बोलते हैं, तीसरा को सी बोलते हैं, इतना तो आप लोग कच्चा खिलाड़ी है नहीं क्योंकि आपका एग्जाम निकट है, आप लोग पक गए हैं। 22 नंबर देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप में दम है तो हिला दीजिए इसको, ए 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा है तो होगा, तो भाई साहब सभी प्रमाण रखेंगे, ठीक है, जो भी संतुष्ट हो जाएगा ना वो क्लियर रहेगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा तो इसका माइनस बी बटा ए, और इधर देखिए लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए, माइनस बी बटा ए का मान पर देखिए 6/ए, ए का मान 2 हो गया और सी का मान माइनस 6 और ए बटा का मान 2, कटेगा तो माइनस 3, इधर भी कटा तो माइनस 3, यानी ये मेरे प्यारे साथियों आपस में क्या है बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया जी, समझ में तो आ ही गया होगा, इतना सिंपल तो बताए हैं। आगे देखिए, इतना दिया गया फिर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, कुछ नहीं माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए भाई साहब, और माइनस बी का मान देखिए यहाँ पे 1 है और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 1 हो जाएगा, ए का मान तो 1, यस ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हाँ सर मेरा इतना सही हुआ और मेरा इतना गलत हुआ, जो भी आपका गलत हो रहा है प्यारे साथियों उसको सही कीजिएगा, ठीक है। देखिए 24 नंबर प्रश्न, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर होगा, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ से, सबसे पहले मैं कह सकती हूँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचा, में पैसते अल्फा अल्फा हम गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा 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 में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। और मेरे प्यारे साथियों आपको एक फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला होता है प्यारे साथियों ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 2 × a × b, ठीक है यहाँ पे 2 है तो इसी पे हम लोग दर्शा देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × α × β, अब बटा मेरे प्यारे साथियों अल्फा इंटू बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, अल्फा प्लस बीटा क्या है जी शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, बी का मान माइनस 3 है, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है तो प्लस 3 हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए, सी का मान कितना है 5, ए का मान लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इंटू बीटा मेरे प्यारे साथियों तो 5, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 × 10/5, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है देखिए 9 − 10/5 घटेगा तो क्या हो जाएगा −1/5, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है मिला लीजिएगा। और इसका देखिए एक आपको डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, ये हम आपको बताए थे ट्रिक के रूप में, लेकिन अभी आपको हम लॉन्ग बता देते हैं पहले उसके बाद ट्रिक बताएंगे, जैसे 1/α और 1/β, जब भी पूछे तो आपको तो क्या करना होगा पहले एलसीएम निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा होगा, अब बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और मेरे पास होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, ए से ए काट दीजिए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया माइनस बी बटा सी,
तो आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर जब भी ऐसे पूछे वटा में रहे तो माइनस बी वटा सी, तो माइनस बी, बी का मान देखिए क्या है जी, माइनस थ्री है इसमें भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी तीन, और सी का मान पाँच, तो तीन बटा पाँच ऑप्शन नंबर ए। ये सब तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी, क्या कुछ भी नहीं ना है, कमेंट जरूर कीजिएगा यस सर समझ में आ गया। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया मेरे पास होते उसके बारे में बताइएगा, लेकिन मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार आपको बता रहे हैं ना हर एक प्रश्न आ रहा होगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई साहब, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होने वाला है। यदि बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्य अल्फा इंटू बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रश्न माइनस डी बटा ए, क्या जी, क्योंकि त्रिघात है और डी का मान देखिए माइनस दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस दो और ए का मान दो, कट के वन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बस फॉर्मूला लगाइए ना भाई साहब आंसर पाइएगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है मेरे प्यार साथियों सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आपको ऊपर में दिखाए भी थे। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखें प्यार साथियों, यदि बहुपद इतना इतना का, 28 नंबर नहीं किया जी, 28 करते हैं, x² - 2x - 6 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान था सी बटा ए, सी का मान क्या है जी माइनस छ, ए का मान है वन, तो माइनस छ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए अब देखिए यदि मेरे प्यार साथियों माइनस वन है तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो जहां भी एक्स है वहां पे माइनस वन रखेंगे और शून्य आ गया तो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए आप सभी में रखिएगा, यहां पे रखेंगे माइनस वन और माइनस वन तो क्या हो जाएगा माइनस टू, नहीं आया, यहां भी रखेंगे तो नहीं आएगा, यहां मेरे प्यार साथियों रखेंगे तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या जी, जहां भी रखेंगे संतुष्ट किया आंसर हो गया। आगे देखिए, निम्न में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, तो योग दे दिया गुणनफल दे गया आपको द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x² - α + β x + α × β, तो x² - α + β को बोलते हैं शून्यकों का योग, तो माइनस थ्री या माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, और इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो सी बटा ए होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, तो सी कितना है जी दो। आप देख लीजिए x² + 3x + 2 कहाँ पे है, x² कहाँ पे मैं बैठ सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसी प्रकार देखिए आपको शून्यकों का गुणनफल ये दे गया है, आप खुद इसको बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, 32 नंबर थोड़ा सा चेंज है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक माइनस दो और माइनस पाँच है तो क्या होगा, आप सभी का गुणनखंड निकालिएगा जिसका आंसर आएगा वो हो जाएगा, तो इसको निकालेगा तो देखिए 5 × 2 x² + 5x + 2x + 10, यहाँ से कॉमन लेने तो x + 5 आएगा और इसका माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो गया और क्या, यही रखिए ना दोनों यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे देखिए तो यदि किसी द्विघात बहुपद के x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 है तो b और c का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका दो तरीका है, या तो आप सबसे पहले x के जगह b 6 को रख दीजिए तो समीकरण फर्स्ट आपको आएगा, फिर x के जगह -2 रख दीजिए तो समीकरण सेकेंड आएगा, फर्स्ट सेकेंड के हल कर दीजिएगा तो इसका आंसर दोनों माइनस में आता है यानी ये वाला। बोले सर हमको इस प्रकार समझ में नहीं आया, एक प्रकार और है, आपको द्विघात बहुपद आता है ना x² - α + β, क्या मैंने कह सकते हो α + β + x α × β, दो को दे दिया गया आपको, अल्फा का मान कितना है 6 रख दीजिए 6 प्लस तो प्लस, बीटा का मान कितना है -2 और एक्स तो एक्स प्लस तो प्लस, अल्फा का मान फिर कितना है 6 और बीटा का मान -2, तो यहाँ हो जाएगा x² - 4x और यहाँ मेरे प्यार साथियों -12 = 0। अब दोनों का आप गुणनखंड निकाल दीजिएगा तो भी बन जाएगा क्या जी, 6 में से 2 घटाइएगा तो भी बन जाएगा। चलिए इस प्रकार हो जाएगा प्यार साथियों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, द्विघात बहुपद का संगत आलेख एक सच को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटती है, तो द्विघात बहुपद के प्यार साथियों संगत जब भी बोले तो दो, ठीक है, संगत जब भी बोले तो दो। देखिए अगर आप ये नहीं समझ पाए तो एक बार आपको फिर से हम बता दें, देखिए जहां पे 6 उस रूप में दूसरा मेथड से, तो एक्स के जगह कितना रखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c b × 6 + c, तो यहाँ हो जाएगा 36 + 6b + c, ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट।
और सेकंड को भी रखेंगे उसी प्रकार में प्यार साथियों। तो देखिए समीकरण सेकंड रखेंगे तो माइनस दो का स्क्वायर प्लस टू गुने बी, और मेरे प्यार साथी यहाँ पे माइनस लिखिएगा क्योंकि माइनस में यहाँ पे है, और प्लस सी। तो इसका हल कर देंगे तो चार माइनस का स्क्वायर प्लस में चार माइनस टू बी प्लस सी, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल कर देंगे तो देखिए सी से सी कट गया मेरे प्यार साथियों, और यहाँ पे 36 में से देखिए चार घटेगा तो कितना हो जाएगा 32, और यहाँ देखिए तो 6b और 2b क्योंकि यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, तो 8b हो जाएगा, 8b बराबर 0। 32 उधर जाएगा या उसको ही भेज देते हैं क्या, माइनस 8b को 8 चौके 32 यानी b के मान में प्रश्न माइनस 4, और इसको रख देंगे समीकरण फर्स्ट में तो a का मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है उतना हम बता सकते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y बराबर 2x माइनस 3 को आलेख पर स्थित है। तो जब भी मेरे प्यार साथियों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया ना तो समझ लीजिए, जैसे y बराबर आपको दे दिया गया 2x माइनस 3, तो सबसे पहले देखिए 2, तो 2 को इन्हें रहने दीजिए और ये 2 को मेरे प्यार साथियों क्या कीजिएगा x के रूप में रखिए, तो 2 गुने 2 माइनस 3, 2 दुना 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। देखिए बराबर नहीं ना हुआ, जब भी बराबर नहीं हुआ तो नॉट इक्वल टू यानी ये स्थित नहीं है। इसी प्रकार आप लोग चेक कीजिएगा तो डी नंबर हो जाएगा। बोलिएगा कैसे सर, तो देखिए बाई बराबर में प्यार साथियों इसको रखते हैं क्या कीजिए, इसको 7 को इधर रख लेते हैं और x की जगह 5 रखते हैं, तो 2 गुने 5 माइनस 3, 5 में 2 से गुना होगा तो 10, और 10 में 3 घटा देंगे तो 7, दोनों आपस में बराबर है, 7 बराबर 7 आ गया, बताइए नॉट इक्वल नहीं ना, 7 बराबर 7 तो क्या होगा प्यार साथियों स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी किसी को रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर इतना दे दिया गया है त्रिघात बहुपद के शून्य के एक मेरे प्यार साथियों शून्य है, तो आपको गुणनफल पूछा जा रहा है यानी ये रूप में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यार साथियों क्या होता है जी, सी बटा ए, और एक बोल दिया ना कि दो गो तो है एक शून्य है यानी गामा को हम शून्य रखते हैं इसको शून्य रखते हैं, तो इसमें करेंगे तो जीरो इसमें करेंगे तो जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी बटा ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न और लास्ट नंबर मेरे प्यार साथियों, अगर आपको सही लगा है कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छा लाए हैं मेहनत किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और मेरे प्यार साथियों जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं, खुल के दम बोलिएगा। देखिए इसमें मेरे प्यार साथियों जब भी आपको भाज बोला है ना तो जब भी आप लिख लीजिएगा x माइनस टू बराबर जीरो, तो x बराबर दो, इसका लेके आएंगे बोर्ड पर, बोर्ड पर बहुत अच्छा से बताएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यार साथियों मोबाइल छोटा सा रहता है लिखने में नहीं बनता है। अब x की जगह दो रखते हैं हम लोग, तो देखिए एक्स क्यू तो दो का क्यू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कितना रखना है दो, तो दो का क्यू देखिए प्लस तो प्लस, फोर तो फोर, एक्स स्क्वायर तो दो का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, पी तो पी, एक्स तो एक्स की जगह दो और प्लस आठ, दो का क्यू मेरे प्यार साथियों आठ हो जाएगा, देखिए दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, चार चार में सोलह हो गया, और माइनस टू पी हो जाएगा और प्लस आठ हो जाएगा बराबर जीरो रखेंगे, देखिए आठ और आठ मेरे प्यार साथियों सोलह, सोलह सोलह बत्तीस, तो बत्तीस माइनस टू पी बराबर जीरो, तो बत्तीस बराबर टू पी, बत्तीस से काट देंगे मेरे प्यार साथियों तो सोलह, दो दो से काटेंगे तो सोलह मरतबे, तो इसीलिए पी बराबर सोलह जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, देख लीजिए आग फाड़ के। अब मेरे प्यार साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बहुत जल्द आप लोग कमेंट कीजिए कि सर दो चर वाला रैखिक समीकरण भी लेके आइए, और ये आपको याद करने के लिए कुछ हम लिख दिए थे, ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी बहुत जल्द लेके आएंगे, अगर इस वीडियो पर आप लोग अच्छा खासा प्यार देते तब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यार साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।